इधर उकरें जैसलमेर की तनोट माता मंदिर की ओर, जहां हमारे संवाददाता अरुण हर्ष इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, कुछ ही देर में पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, उनके पहुंचने का कार्यक्रम तय है। अब ऐसे में वहां से क्या कुछ जानकारी आपके पास? गीतांजलि, बताना चाहूंगा, जिस तरह से लोंगेवाला में प्रधानमंत्री ने दीपावली अपने जवानों के साथ मनाई है और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया और लोगों को ये बताया कि भारतीय जवान के कारण से ही पूरी देश सुरक्षा के अंदर है, और ये जिस तरह से हम लोग खड़े तनोट में, कैमरामैन शिव को दिखाया पीछे ये तस्वीरें, हालांकि हम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि प्रोटोकॉल है। अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री के आने की संभावना जते जा रही है, अब से कुछ देर बाद आएंगे, लेकिन जो पर्यटक आए उनको भी रुका है, पर्यटक बाहर खड़े हैं। पर्यटकों को भी पहले ये नहीं पता था जैसलमेर का कहा जा रहा था, लेकिन जैसलमेर से यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चला अब तनोट पे आने के अंदर BSF है, सेना के जवान है, एयरपोर्ट्स के अधिकारी है, तमाम वो लोग हैं जो अंदर सिक्योरिटी को संभाले हैं। लेकिन पर्यटक से बात करने के प्रयास में, प्रधानमंत्री के आने की सूचना क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, आज लग तो रहा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज राजस्थान जैसलमेर में आए, और हर साल वो सैनिकों हमारे देश के जवानों के साथ वो दीपावली की पर्व को मनाते हैं, तो आज लगता है कि आज यहाँ पर भी आने वाले, क्योंकि सभी तैयारी यहाँ हो गई है, तो आज लगता है कि आए यहाँ पर आएगी, क्योंकि तनोट माता का मंदिर गुजराती तो हाँ गुजराती छू। नरेंद्र भाई आवे जे? हाँ, नरेंद्र भाई आवे छे, अने हूँ पण मेहसाणा नो छू, वडनगर जे साहेबनुं वतन छे त्यांना ज अमे त्यांना छीए, तो अहींया आवशे तो अमने पण जो जोवानो मौको मळी जाय तो सारूं रहेशे अमारा माटे। गीतांजलि, ये तमाम गुजराती पर्यटक हैं जो दीपावली के अवसर पर यहाँ आए हुए हैं, लेकिन इनको अगर मौका मिलता तो इनके लिए खुशी का पल होगा, क्योंकि इनके स्टेट से आते, गुजरात से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, और यही कारण है कि ये लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण, पर्यटक तो वहाँ पर जुड़ ही रहे हैं और इंतजार करें कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वहां पर हलचल इस वक्त काफी देखी जा रही है, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और अपडेट्स लेंगे। अरुण, आपसे फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।